नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष और आप सभी का हमारे YouTube चैनल ग्रोथ एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम NIOS के TMA सबमिशन के बारे में बतलाने जा रहे हैं। NIOS का TMA सबमिशन का डेट बढ़ गया है। पहले 30 जून 2022 तक था, लेकिन यह बढ़कर हो गया है 31 जुलाई 2022। जी हाँ साथियों, आप ध्यान दें कि आप लोगों का TMA का जो डेट है वो बढ़कर हो गया है 31 जुलाई 2022। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक असाइनमेंट जमा नहीं किए हैं या जिनको यह सूचना नहीं है कि हमको कब असाइनमेंट जमा करना था और कब करना है, कब तक करना है, तो यह वीडियो जरूर देखें। और इस वीडियो में मैंने बतला दिया आपको कि TMA का लास्ट डेट आज था, जो कि 12 बजे के बाद एक्सटेंड हो गया है और यह बढ़कर हो गया है विदाउट लेट फीस 31 जुलाई 2022 तक। और असाइनमेंट कैसे जमा करना है वो भी हम इस वीडियो में बता देंगे आपको। तो सबसे पहले आप डैशबोर्ड खोलेंगे और डैशबोर्ड खोलने के बाद आप यहाँ पे TMA अपलोड के ऑप्शन में जाएंगे। अपलोड के ऑप्शन में आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए ड्यू डेट दे दिया है 31 जुलाई 2022, 2022 तक अब जमा होगा जुलाई तक। जैसे व्यू एंड अपलोड TMA पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ड्यू डेट जो है 31 जुलाई 2022, पहले यहाँ पे 30 जून 2022 था, तो बढ़कर हो गया है 31 जुलाई, यानी कि एक महीना आपको आज से दिया गया है मौका कि आप विदाउट लेट फीस आप जमा कर सकते हैं। फिर भी वैसे विद्यार्थी जो एक महीना के अंदर में नहीं जमा कर पाए, तो उनके लिए यहाँ पे NIOS ने प्रावधान दिया है कि 1500 रुपया पर सब्जेक्ट लेट फीस पेमेंट करके आप जमा कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट है तो आपको कितना लग जाएगा, तो 7550 रुपये, ये आपका चार्ज बन जाएगा अगर आप एक महीने के अंदर में जमा नहीं कर पाएंगे तो, यानी कि 31 जुलाई के बाद। तो हमें क्यों देना है 1500 रुपया पर सब्जेक्ट लेट फीस? आप चाहो तो कल ही जमा कर सकते हो, परसों जमा कर सकते हैं, यानी कि जुलाई 31 से पहले आप जमा कर सकते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपना असाइनमेंट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप ऑनलाइन अपलोड करना है। स्टडी सेंटर या फिर आप रीजनल सेंटर, कहीं पे भी आपका असाइनमेंट जमा नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही जमा होगा और हो रहा है, ऑफलाइन नहीं हो रहा है। तो आपको स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर पे नहीं जाना है, नहीं भीड़ लगाना है, क्योंकि वहाँ पे जमा नहीं होगा। आपको घर बैठे मोबाइल से, लैपटॉप से या डेस्कटॉप से आप अपना असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बतला दी हैं इस वीडियो में। और इसके बाद अगर आप असाइनमेंट परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट से सॉल्यूशन खरीद सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप अपने हैंड राइटिंग में इसको लिखें और साफ सुथरा लिखकर फ्रंट पेज लगा के आप सबमिट कर दें। और इसका जो साइज है वो साइज 5 MB है, 5 MB से कम का ही आप उसमें अपलोड कर सकते हैं, 5 MB से ज़्यादा अपलोड नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए और अपना असाइनमेंट तैयार कीजिए। और कोई भी जानकारी लेनी हो तो आप हमें इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, और असाइनमेंट सॉल्यूशन किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से स्कैन कॉपी भी अगर लेना चाहें तो आप यहाँ से स्कैन कॉपी ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 10th क्लास का सारे स्कैन कॉपी मिल जाएगा, और 12th का मैं आज डालूंगा, तो आप 12th का भी स्कैन कॉपी ले सकते हैं। फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने हैंड राइटिंग में लिखें असाइनमेंट और अपलोड करें। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, बस धन्यवाद।